एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है केशकाल घाटी जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। अगर रायपुर से आप NH30 को फॉलो करते हुए साउथ छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर पे पड़ती है और छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस घाटी है ये। इस जगह की हिस्ट्री ये है कि बहुत पहले यहाँ पे केशु नाम का इंसान रहता था जिसे शेर ने मार दिया था, तो उसी इंसान के नाम पर इस जगह का नाम केशकाल घाटी पड़ा है। फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ कोंडागांव, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, और कल फिर हम लोग जाने वाले हैं जगदलपुर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है तेलीन सती माता का मंदिर। जाने वाले लगभग हर गाड़ी वाले यहाँ पर रुकते हैं इस मंदिर में। स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 है। अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी है। आज सुबह कांकेर में लगभग 12-15 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ पे केशकाल घाटी होती है ख़त्म। लगभग 12 मोड़ों की ये घाटी है। इधर से राइट लेके अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। टाटा मारी कुआं मारी लगभग 30 किलोमीटर्स पे सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ से। अब रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं इस साइड पे, तो रोड के किनारे किनारे काफ़ी सारे जो गांव हैं वो भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं अब, वरना पहले तो बहुत रेयरली यहाँ पे दुकानें दिख रही हैं। अब कोंडागांव मैं पहुँच चुका हूँ। कोंडागांव भी काफ़ी अच्छी जगह है, वेल प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक। ज़्यादातर लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब बिजनेसमैन ही हैं और काफ़ी अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। यह है कोंडागांव की DSP कोकोनट प्लांटेशन। DSP मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कम सीड प्रोडक्शन फार्म। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोकोनट प्लांटेशन है। यहाँ 100 एकर्स की लैंड में लगभग 5000 कोकोनट ट्रीज हैं। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल है कोकोनट प्लांटेशन के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। इस जगह पर आपको आके चला है कि ये केरला है। I have shared the coordinates of this place in the description. आप उसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं और अब चलते हैं आगे। अब